तो दोस्तों मैं हूं आपका राहुल, एक नई वीडियो लेकर आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है टीवीएस अपाची RR310 ABS वर्सेस KTM RC390 स्टैंडर्ड वेरिएंट, यानी टॉप मॉडल की मैं बात करता हूं। तो इन दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर देखते हैं कि कौन सी मोटरसाइकिल जो है वो हम लोगों के लिए लेने के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है। और दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आप लोग 30,000 ऐड कर लें बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस और RTO वगैरह जो है, ये सब आप लोग एडिशनली 30,000 आप लोग ऐड कर देना। अपाची 310 जो है इसके अंदर आपको जो एक्सशोरूम प्राइस मिलेगा वो मिलेगा 2.72 लाख रुपीज़ की आपको एक्सशोरूम प्राइस पड़ने वाली है। और RC390 जो आपको पड़ेगी वो पड़ेगी 3.18 लाख रुपीज़ की आपको ये पड़ेगी। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो इन दोनों मोटरसाइकिल के अंदर आपको 45,000 के समथिंग का आप लोगों को फ़र्क मिलेगा। तो देखते हैं 45,000 रुपीज़ में से हमें इन दोनों में से कौन सी मोटरसाइकिल को परचेज़ करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। तो सबसे पहले इंजन की बात करें तो अपाची के अंदर आपको जो इंजन मिलने वाला है वो आपको मिलेगा 312.2 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4-stroke 4-valve लिक्विड कूल्ड रिवर्स इंक्लाइंड वाला आपको इसके अंदर इंजन मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकाल के देगी वो निकाल के 34 PS एट द रेट 9,700 RPM पर। जो मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा वो मिलेगा 27.3 Nm एट द रेट 7,700 RPM पर। BS6 कंप्लाइंट 2 का आपको इसके अंदर मिलेगा। बोर्ड जो मिलेगा 80 mm का बोर्ड मिलेगा। स्ट्रोक जो मिलेगा 62.1 mm का स्ट्रोक मिल जाएगा। सिंगल सिलेंडर की बाइक होने वाली है। चैन ड्राइव आपको इसके अंदर मिल जाएगी। 4-valve का इंजन आपको इसके अंदर मिल जाएगा। BS6 कंप्लाइंट 2 आपको इसके अंदर इंजन मिल जाएगा। वहीं पे अगर मैं RC390 की अगर मैं बात करूँ तो इस बाइक के अंदर आपको जो इंजन मिलने वाला है वो आपको मिलेगा 373 cc का सिंगल सिलेंडर 4-stroke 4-valve का आपको इसके अंदर इंजन मिल जाएगा। लिक्विड कूल आपको इसके अंदर इंजन मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकाल के देगी वो निकाल के देगी 43.5 PS। और वहीं पे अगर मैं मैक्सिमम टॉर्क की बात करूँ तो 37 Nm का टॉर्क निकाल के देगी। तो अगर बात करी जाए तो पावर और टॉर्क की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारे जो है RC390 जो है वो विन करती है, क्योंकि RC390 का आपको 390 cc का आपको इसके अंदर इंजन मिल रहा है। लेकिन अगर मैं अपाची की बात करूँ तो 312 cc का आपको इसके अंदर इंजन मिल रहा है। BS6 कंप्लाइंट 2 इंजन मिल जाएगा। बोर्ड जो मिलेगा 89 mm का बोर्ड मिलेगा। स्ट्रोक जो मिलेगा 60 mm का स्ट्रोक मिलेगा। सिंगल सिलेंडर की बाइक रहने वाली। ओरिंग चैन ड्राइव दोनों मोटरसाइकिल के अंदर। 4-valve का इंजन आपको दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगा। वहीं पे अगर ब्रेकिंग की बात करें तो दोनों मोटरसाइकिल में डुअल डिस्क ब्रेक मिलेगी और डुअल चैनल ABS के साथ। वहीं पे अगर मैं अपाची की बात करूँ तो अपाची के अंदर आपको जो माइलेज मिल जाएगी वो आराम से आप 38 तक का माइलेज आप लोग आराम से निकाल सकते हो। डिपेंड करता है बाकी आपके राइडिंग स्किल के ऊपर है कि आप इस मोटरसाइकिल को किस तरीके से राइड करते हो। और वहीं पे अगर मैं KTM RC390 की बात करूँ तो ये जो मोटरसाइकिल है आपको आराम से 33 से 35 तक का माइलेज निकाल के ये दे देगी। लास्ट टाइम पे जो मैंने माइलेज टेस्ट की वीडियो में निकाली थी तो मुझे इस मोटरसाइकिल ने 34.3 का माइलेज इस मोटरसाइकिल ने मुझे निकाल के दिया था। बाकी डिपेंड करता है राइडिंग स्किल, राइडिंग आप किस तरीके से इस मोटरसाइकिल से करते हो। फ्रंट टायर की बात करूँ तो दोनों मोटरसाइकिल के अंदर आपको सेमी फ्रंट टायर और रियर टायर सेमी मिलेगा। 110/70 का आपको फ्रंट टायर मिलेगा रेडियल के साथ। और रियल जो टायर मिलेगा वो मिलेगा 150/60 का रियल टायर मिल जाएगा 17 inches के अलॉय व्हील्स के साथ। दोनों मोटरसाइकिल के अंदर आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाएगा। दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको रियल टायर और अलॉय व्हील्स आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएंगे। डायमेंशन की अगर मैं बात करूँ तो अपाची के अंदर आपको 810 mm की सीट हाइट मिलेगी और RC390 के अंदर आपको जो सीट हाइट मिलेगी 824 mm की सीट हाइट आपको इसके अंदर मिल जाएगी। तो सीट हाइट के मुकाबले में अगर मैं बात करूँ तो 310 की सीट हाइट थोड़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से थोड़ा सा मैं जो पिलियन राइडर है वो थोड़ा अनकम्फर्टेबल होकर बैठता है इस बाइक में ये चाहिए, क्योंकि भाई देखो एक स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल है तो दोनों ही स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल है, लेकिन 390 में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होकर बैठा है। लेकिन 310 के अंदर अगर कोई बैठेगा ना तो थोड़ा सा रिलैक्स होकर 390 से ज़्यादा रिलैक्स होकर अपाची में बैठ सकता है बंदा। व्हील बेस की अगर बात करूँ तो 1365 mm का व्हील बेस आपको अपाची में मिलेगा और RC में जो मिलेगा वो मिलेगा आपको 1340 mm का व्हील बेस आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है हमारी जो है व्हील बेस के मामले में हमारी अपाची विन करती है। वहीं पे अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करें जैसे लेंथ की तो 2001 की आपको जो लेंथ मिलेगी वो आपको अपाची में मिलेगी और 2145 mm की जो आपको लेंथ मिलेगी वो मिलेगी KTM RC390 में। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको अपाची में मिलेगा। 158 mm की जो आपको ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको 390 में मिलेगा। तो ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में देखा जाए तो भाई अपनी अपाची विन करती है। हाइट की अगर मैं बात करूँ तो 1135 mm की हाइट आपको अपाची में मिलेगी और अगर हाइट की बात कर जाए RC की तो इसके अंदर आपको 830 mm की हाइट आपको मिलेगी। तो हाइट के मामले में ना अपाची थोड़ा सा पीछे रहती है क्योंकि हाइट जो है वो मैटर करता है। जो इन लोगों की आप अगर देखा होगा RC की खास बात मुझे पता क्या लगती है, जो राइडर है राइडर की जो सीट है ना वो काफ़ी सही है। अगर मैं सही बताऊँ ना, एक छोटी हाइट का भी बंदा चलाएगा ना तो वहाँ पर काफ़ी आराम से
संभाल सकता है बंदा, क्योंकि सीट हाइट इसकी फ्रंट की बहुत ज़्यादा नीचे है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है मेरे को पर्सनली। पिलियन की तो इन लोगों ने चलो खैर कर दी, काफ़ी ऊँची कर दी, अब वो इन्होंने पिलियन की वजह से करी है जो भी है, लेकिन यहाँ पे मुझे अच्छी लगती है, आरसी आराम से अपना सही मामला कर देती है। पेट्रोल टैंक की बात करें तो अपाचे के अंदर आपको 11 लीटर का पेट्रोल टैंक करेगा मिलेगा, माइनस टू कर देते तो 9 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलेगा। और यहीं पे आरसी 390 के अंदर आपको जो पेट्रोल टैंक मिलेगा वो 13.7 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलेगा, 2 लीटर हम लोग माइनस कर देते हैं तो 11.7 का आपको मिलेगा। तो यानी आरसी की जो है वो पेट्रोल टैंक बड़ी है। टेल लाइट दोनों मोटरसाइकिल के अंदर एलईडी मिल जाएगी। फ्रंट डिस्क ब्रेक की बात करें तो अपाची में 300mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा, जो रियल डिस्क ब्रेक मिलेगा वो 240mm का रियल डिस्क ब्रेक आपको मिल जाएगा। और अगर यहीं पे मैं आरसी की बात करूँ तो आरसी के अंदर फ्रंट डिस्क ब्रेक आपको 320mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा, जो रियल डिस्क ब्रेक मिलेगा वो 230mm का रियल डिस्क ब्रेक मिल जाएगा। तो ब्रेकिंग के मामले में बात करी जाए तो दोनों सेम ही है, क्योंकि आरसी के अंदर पीछे का जो ब्रेक है, हाँ आरसी के अंदर पीछे का ब्रेक छोटा है लेकिन आरसी के अंदर आगे का ब्रेक बड़ा है, डिस्क ब्रेक बड़ा है। तो वहाँ तो मैं खैर दोनों को यहाँ पे सेम सेम पॉइंट ही मैं देता हूँ। यहीं पे अगर मैं बात कर जाए तो कॉर्नरिंग एबीएस आपको अपाची में कॉर्नरिंग एबीएस आपको 310 में मिल जाएगा, क्विक शिफ्टर भी आपको 310 में मिल जाएगा। मीटर कंसोल जो है, देखो मीटर कंसोल की अगर हम बात करें तो आपको अब मीटर कंसोल का आप लुक देखना आपको किस किस को आपका अच्छा लगता है, ठीक है। एक के अंदर आपको रेक्टेंगल शेप में मीटर मिलता है और एक के अंदर जो आपको मीटर कंसोल मिलता है रेक्टेंगल है लेकिन लॉन्ग में मिलता है आप लोगों को, तो ठीक है। तो आप लोग बताना कि किसका मीटर कंसोल जो है वो देखने में आपको अच्छा लगता है। अपाची के अगर मैं इलेक्ट्रिकल आइटम्स की बात करूँ तो इसके अंदर आपको टीवीएस स्मार्ट कनेक्ट मिल जाएगा आपको इसके अंदर, और बाकी थ्रॉटल कंट्रोल आपको मिल जाएगा इसके अंदर, ठीक है। वहीं पर अगर नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करूँ तो इसके अंदर आपको जो सबसे मेन चीज़ मिलने वाली है वो आपको मोड्स मिलने वाले हैं। अगर आप लोगों को माइलेज चाहिए, ठीक है, माइलेज निकालनी है आप लोगों को, तो माइलेज निकालने के लिए अर्बन मोड दे रखा है। अर्बन मोड है, रेन मोड है, स्पोर्ट्स मोड है। तो अर्बन मोड पर आप आराम से इस बाइक को चलाओगे तो अर्बन मोड के अंदर ये जो माइलेज आप पावर जो देगी वो देगी आपको 25.8 PS एट द रेट 7700 RPM पर, जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगी वो निकालेगी 25 Nm एट द रेट 6700 RPM पर। तो यहाँ पे आपका प्लस पॉइंट क्या हो जाता है, अगर आप लोगों को इसको मोटरसाइकिल को सिटी में चलानी है और आराम से, जो देखो टॉप स्पीड ये 125 की अचीव कर लेगी, तो 125 की अचीव अगर मैं बताऊँ तो सिटी के अंदर 125 की स्पीड भी भाई बहुत ज़्यादा होती है। सिटी के अंदर लोग ज़्यादा से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 70 चला लेंगे, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं चलाते, ठीक है। वैसे गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग में देखा जाए तो 60 की रहती है कि कोई स्पीड जो होती है वो 60 की रहती है, लेकिन फिर भी चलो 70 हमने चला भी ली, कोई दिक्कत नहीं है। तो 70 चला ली तो वहाँ पे भी हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आराम से अपना 125 की टॉप स्पीड है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है वहाँ पे। यहीं पर अगर देखा जाए तो 310 जो है, 310 है भैया खुल के चलने वाली मशीन है ये भाई, हल्की सी गली में तुम भगाना चाहो कटवट मार मुड़ के वहाँ भी आप भगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ का प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन अपाची में क्या है, लेकिन माइलेज अगर आप लोगों को चाहिए तो भाई अपाची में मोड्स पे चलाओगे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है। बाकी ओवर स्पीड इंडिकेटर भी आप लोग को अपाची दे देगी कि भैया हिसाब से ज़्यादा ही भगा रहे हो, कंट्रोल कर लो, इंडिकेटर आपको कर देगी। लेकिन अपाच 310 जो है, 310 तो सीधा बोलते हैं भैया मैं मशीन ही वही हूँ जो मुझे भगाओ, वो खुद ही बोलेगी भगाओ भैया इस गाड़ी को। तो यहाँ पे तो अब आप लोग देख लेना इन दोनों में से आपको कौन सा फीचर बढ़िया लगा। वैसे मैं इलेक्ट्रिकल आइटम्स की बात करता हूँ, मेरे को अपाची 310 जो है वो बेहतरीन लगी, क्योंकि मोड्स की वजह से। अगर मैं जनवरी बोलूँ, क्योंकि मैं खुद एक ऐसा बंदा हूँ जिसको माइलेज सबसे ज़्यादा चाहिए, माइलेज लवर हूँ भाई मैं, ठीक है। माइलेज लवर के अब ये मत सोचना कि भाई माइलेज चाहिए तो भैया प्लैटिना ले लो या कोई भी अदर बाइक ले लो, ऐसा कुछ नहीं है भाई। माइलेज भी चाहिए, हमें लुक्स भी चाहिए, सब कुछ चाहिए जो हमारी पूरी कंडीशन को फुलफिल करे। तो वहाँ पे कहना अपाची विन करते, क्योंकि जब मेरे को भाई मेरे को चाहिए माइलेज निकालना, मैं सिटी के अंदर हूँ, माइलेज वगैरह निकालना, मैंने चला लिया स्पोर्ट्स पे, सॉरी अर्बन पे चला लिया, अब जहाँ मुझे लग रहा है मुझे भगानी है भैया, बिल्कुल खोल के भगा दे बाइक, कह रही भगाओ मैं स्पोर्ट्स पे चलाओ, तो पूरा 10 PS की पावर जो है भाई वो 10 PS की पावर बढ़ जाती है, तो 10 PS की पावर काफ़ी ज़्यादा होती है और वो आपको चलाते टाइम पे खुद ही फील हो जाएगा। लेकिन 310 में ऐसा कुछ नहीं है, 310 में क्या है भैया मशीन ही खुद बोलेगी भगाओ, जहाँ तक हो सके वहाँ तक भगाओ। वहीं पर LED इंडिकेटर आपको मिल जाएगी, LED टेल लाइट मिल जाएगी, तो बाकी डुअल चैनल ABS में दोनों स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल हैं और दोनों में ही सेल्फ भी मिलेगी आपको, स्पीड स्विच दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगी। TFT डिस्प्ले जो है वो आपको अपाची 310 में मिल जाएगी। और बाकी अगर देखा जाए तो क्लॉक आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएगा, लो फ्यूल वार्निंग भी आपको दोनों मोटरसाइकिल में मिल जाएगा, लो बैटरी इंडिकेटर भी आपको दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। और LED प्रोजेक्टर भी आपको दोनों मोटरसाइकिल में मिल जाएगा, लिक्विड कूल भी आपको दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगा। अब ओवरऑल अगर आप मेरे से पूछते हो कि इन दोनों ही मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल हमें लेनी चाहिए, तो देखो अगर मैं बात करूँ लुक्स के मामले में, तो देखो लुक्स जो है ना वो मुझे अगर मैं पर्सनली पूछूँ, मतलब मैं पर्सनली अपना बताऊँ तो मुझे क्या है ना भाई अपाची का लुक अच्छा लगता है, ठीक है। KTM का जो इससे पहले लुक जो आता था वो मुझे बड़ा प्यारा था, वो बहुत अच्छा लगता था मुझे KTM का लुक। ये वाला लुक भी है, सही है, लेकिन जो वो लुक था ना, तो वो लुक मुझे बहुत अच्छा लगता था इस मोटरसाइकिल के अंदर। अब देखो कुल मिला के अगर देखा जाए ना, तो देखो आप लोगों के
45,000 रुपये ज़्यादा दे रहे हो, ठीक है। आरसी के लिए अगर आरसी लोगे तो 45,000 रुपये, 45,000 आप लोग ज़्यादा दे रहे हो। तो 45,000 रुपीज़ ज़्यादा देने से ना आप लोगों को क्या बेनिफिट मिलने वाला है? एक तो सबसे पहले आपको इंजन बड़ा मिलेगा, पावर आपको ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। पावर अगर देखा जाए तो कुल मिला के आपको 10 PS की पावर ज़्यादा मिलने वाली है 310 में। टॉर्क आपको ज़्यादा मिलने वाला है, ठीक है। तो पावर और टॉर्क अगर आप लोग को चाहिए, बिल्कुल ऐसी मशीन चाहिए जो बिल्कुल भागे, जहाँ बोलो भागनी है भाग जाए, ठीक है, तो वहाँ पे ले लो आप 390 RC 390 आप लोग परचेज कर सकते हो। वहीं पे अगर आप, आपको चाहिए एक माइलेज निकालना है, मुझे माइलेज भी चाहिए और भाई मुझे ऐसे ऐसे टाइम पे मुझे भगानी भी है मोटरसाइकिल, तो वहाँ पे आप क्या है 310 ले सकते हो, ठीक है। टॉप स्पीड के मामले में आप सही बताओ तो 390 के तो नहीं पहुँच पाएगी, लेकिन यह है कि इनिशियल पिकअप में भी अपना 390 आगे पहुँचेगी, 390 आगे पहुँचेगी, लेकिन क्या है कि हम लोग को माइलेज भी चाहिए, ठीक है, हम लोग को पावर भी चाहिए। तो वहाँ पे मैं आप लोगों को सीधा बोलता हूँ अपाचे 310 आप आराम से ले सकते हो इस मोटरसाइकिल को। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने हमारे दो चैनल आर के ऑटो सर्विस तो मॉडिफाई करना, दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो ओके बाय।